और इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी प्रमुख लालू यादव को जमानत मिल गई है। एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद थे लालू यादव, जिनको झारखंड हाईकोर्ट ने अब जमानत दे दी है। चारा घोटाले के मामले के आरोप में लालू यादव को सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते वो जेल में बंद थे। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में हाईकोर्ट ने लालू यादव को अब जमानत दी है। आरजेडी प्रमुख के वकील देवश्री मंडल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच लालू के जमानत मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई थी, जिसमें जज ने उन्हें जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई के बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का ये फैसला सुनाया। उसके बाद आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत में केस नंबर RC 38 मामले की सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि लालू यादव को जमानत दे दी गई है और अब उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। लालू यादव की जमानत के लिए परिवार लगातार मन्नतें मांग रहा था, जिनका असर देखने को मिला है। बेटी रागिनी आचार ने रोजा रखने की बात कही थी। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। तेजस्वी यादव बाबा धाम में भगवान वैद्यनाथ के दर्शन कर पिता की रिहाई की कामना कर रहे थे और इन तमाम दुआओं का असर अब देखने को मिला है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को अब जमानत मिल गई है।